उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले संपूर्ण जनपद में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए एसएसपी आकाश तोमर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं और जिसके चलते सहारनपुर पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। और इसी कड़ी में आज सहारनपुर पुलिस ने जंगल गांव अम्बेटा शाखा में शस्त्र बनाते हुए दो अभियुक्त उम्मेद और सोनू उर्फ संदीप को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से 80 कारतूस, 315 बोर, 6 देसी तमंचे साथ ही 16 अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त उम्मेद पहले भी शस्त्र बनाने में जेल जा चुका है और दोनों का पूर्व में काफी बड़ा इतिहास मौजूद है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से बरामद अवैध शस्त्रों और कारतूस से संबंध मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद सहारनपुर पुलिस ने एक अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए थाना देवबंद से एक शस्त्र फैक्ट्री को रिकवर किया है, जिसमें से 315 बोर के 80 कारतूस रिकवर हुए हैं और कुल 22 बने और अधबने तमंचे रिकवर हुए हैं। जो शस्त्र फैक्ट्री बनाने में मुलजिम पकड़े गए हैं वह मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे लिखे हुए हैं। उत्साहवर्धन हेतु जो टीम है उनको 25,000 का इनाम हमारी तरफ से दिया जाएगा और आगे भी अभियान अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स इनके प्रति सहारनपुर पुलिस का जारी रहेगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।